इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। बुधवार को तिरुचिरापल्ली के जम्बुकेश्वरार अखिलेंद्रेश्वरी मंदिर में मजदूरों को खुदाई के दौरान करीब 504 छोटे और एक बड़े सोने के सिक्के का खजाना मिला है। खुदाई के दौरान मिले सिक्कों का वजन करीब 1 किलो 416 ग्राम बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इन सिक्कों पर अरबी के आकार के अक्षर छपे हैं, जो कि 1000 से 1200 सदी के हो सकते हैं। जिन मजदूरों को ये खजाना मिला है वो मंदिर के जीर्णोद्धार के काम में लगे हुए थे। मंदिर के कर्मचारियों ने यहाँ से सोने के सिक्के मिलने पर खुशी जाहिर की है। खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिलने के बाद कई अधिकारियों और एक पुलिसकर्मी की उपस्थिति में इन सिक्कों की गिनती की गई और अधिकारियों ने इस खजाने के बारे में बात करते हुए बताया कि मंदिर प्रशासन झाड़ियों को साफ कर रहा था तब उन्हें ये बर्तन करीब 7 फीट की खुदाई में मिला है। हालांकि सिक्कों के बारे में ये पता नहीं चल पाया कि ये किस काल के हैं और इसीलिए अभी तक इनकी कीमत के बारे में सही से आकलन नहीं किया जा सका है। लेकिन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ समर्थन और सी अधिकारियों ने मोटे तौर पर इनकी कीमत 68 लाख रुपए के आसपास होने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।